हमारी एक खास पेशकश लेकर अब सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताएं कौन सा स्टॉक और क्या खबर लेकर आए हैं आप? स्टील सेक्टर फोकस में रहा है काफ़ी कुछ दिनों से, क्योंकि जो प्राइसेस है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यूसली गिर रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से भी डोमेस्टिक मार्केट में ये प्राइस फॉल देखने को मिला। बट अभी क्या खबर हमें पता चल रहा है कि 13 कंजेकटिव वीक्स जो हमें डिक्लाइन दिखे थे HRC के प्राइजेज में, स्टील के प्राइजेज में, उसके बाद अब थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो चुका है प्राइजेज और अब करीब 59,500 पर टन के आसपास एवरेज कर रहा है। उसी के साथ कोकिंग कोल और आयरन ओर प्राइजेस कम होने के कारण जो रॉ मटेरियल के स्प्रेड्स है वो भी इम्प्रूव हुए हैं। रॉ मटेरियल के स्प्रेड अभी के टाइम पे करीब 31,700 के आसपास है, जो कि 3 मंथ हाई पे चल रहे हैं। बट अभी अगर आप देखेंगे तो कोकिंग कोल के जो प्राइसेस थे वो करीब 11 मंथ लो पे है और आयरन ओर के प्राइसेस दिसंबर के लो लेवल पे चल रहे हैं। इसी कारण इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिले स्प्रेड्स पे। बट अगर नेगेटिव साइड में देखते हैं तो एडलवाइस के चैनल चेक के हिसाब से रिटेल बायर अभी भी कोई लार्ज ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके प्राइसेस और भी करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम रॉ मटेरियल प्राइसेस शार्पली करेक्ट हुए तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टील के फाइनल प्राइसेस जो है वो भी आगे जाके और करेक्ट हो सकते हैं। और सो अगर आप देखते तो चाइना का जो GDP डेटा आया था वो काफ़ी वीक था, उसके बाद स्टील प्राइसेस शंघाई स्टील प्राइसेस में करीब 4% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में भी वीक आउटलुक है स्टील प्राइसेस के को लेके, और मार्केट में और इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस स्टैंड मेंटेन रख रहे हैं अपना स्टील सेक्टर पे, क्योंकि आगे जाके वो और प्राइस में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं बट आउटलुक अभी भी कॉशियस है, क्योंकि और फर्दर स्टील प्राइस करेक्शन एक्सपेक्टेड है मार्केट को। सौमित, फॉर दैट क्लियरली फिलहाल स्टेबलाइज प्राइस होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन करेक्शन का ही आउटलुक यहाँ पर तो कॉशियस नजरिया स्टील स्पेस पर बनता हुआ। आइए क्विकली समझते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का बाजार को लेकर क्या नजरिया था जब हमने शुरुआत में उनसे बातचीत की। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कहाँ जा सकते हैं? लगातार हम क्या बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज काफी सारी बिल्टअप होती हुई रही है, लेकिन निफ्टी की अगर बात करें पॉजिटिव रुझान ही संतोष कुणाल और कुश की तरफ से आता हुआ, खरीदारी के मौके जरूर मिलते हुए दिखेंगे। पूरे हफ्ते में हमने देखा है चैलेंजिंग मार्केट्स चाहे ग्लोबली भी देखने को मिले हो, बावजूद इसके डोमेस्टिक मार्केट्स में जो एक्शन है वो भरपूर बरकरार रहा है। खरीदारी के मौके बिल्कुल आप समझ कर चल सकते हैं। निफ्टी अगर ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें तो क्लियरली एक टाइट रेंज में कामकाज करने के बावजूद 16,000 के पार जाने का दमखम दिखाया है। आज ओपनिंग में भी देखना होगा, काफी जरूरी होगा ये कि निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 16,000 के पार कहां तक की तेजी बनती हुई हम देखेंगे। सेंटिमेंट्स बुलिश हैं, 15,800 से 16,100 के एक रेंज है जिसे निफ्टी ने बरकरार रखा है। ये बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है बैंक निफ्टी को लेकर? खरीदारी की राय बैंक निफ्टी में भी संतोष कुणाल और कुश तीनों की एक ही राय है। 35,100 के टारगेट से यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने लगातार हमें बताए हैं और 35,100 के लेवल्स का इंतजार जरूर रहेगा। इनफैक्ट 34,500 से 35,100 के लेवल्स जिस पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए, लेकिन मोटे तौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर खरीदारी की कॉल्स, तो इंडेक्स पर भी पॉजिटिव नजरिया फिलहाल एक्सपर्ट्स की तरफ से आता हुआ। चलिए